जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 4 अक्षर देने वाला मास्केट आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ढूंढ लेना है, क्योंकि यह सिस्टम ऐप है, सबके मोबाइल में होता था। देखिए मेरा क्रोम ब्राउजर रहा, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में पहले से कुछ यूज किया है तो वो वाला पेज आ जाता है। मैं आधार कार्ड का ही यूज किया था, इसलिए मेरा यह पेज आ गया। तो ऊपर 3 डॉट है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद न्यू टैब जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। कभी कभी वहाँ 3 डॉट की जगह पर आपका अगर क्रोम अपडेट नहीं रहेगा तो वहाँ रेड कलर का आता है एक तीर जैसा, तो उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद में आपका क्रोम अपडेट नहीं रहता तो फर्स्ट में आपका क्रोम अपडेट करने के लिए कहता है, तो उस पर क्लिक करके आप अपना क्रोम अपडेट कर लीजिएगा। सेकंड नंबर पर न्यू टैब रहता है, तो न्यू टैब पर क्लिक करिएगा तो आपका ये सर्च करने वाला पेज आ जाएगा। तो सर्च बार पर क्लिक करिएगा और सर्च बार में लिखिएगा UIDAI। UIDAI ऊपर भी आ गया, नहीं तो आपका जहाँ से भी सर्च होता है वहाँ से सर्च कर दीजिए। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो यहाँ UIDAI का वेबसाइट है, UIDAI.gov.in इसका वेबसाइट है। उसके बाद फर्स्ट में ही UIDAI लिखा हुआ है, कभी कभी यह चेंज भी हो सकता है, लेकिन वेबसाइट आपको ऊपर देख लेना है। उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा इसमें सब लैंग्वेज मतलब सारा भाषा आ जाता है, आपको जो भी भाषा में समझ में आता है वो भाषा कर सकते हैं। मैं ऐसे इंग्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। इंग्लिश पर जैसे ही क्लिक करूँगा उसके बाद में देख लीजिए ये वाला पेज खुल गया। तो यहाँ पर एक पॉपअप आता है, इस पॉपअप को बिना हटाए आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इस पॉपअप का मतलब है आपका भी आधार कार्ड अगर 10 साल से ज़्यादा का हो गया या 10 साल से भी थोड़ा बहुत कम का भी है तो आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट में आपको 2 डॉक्यूमेंट लगता है। अपडेट करने का वीडियो भी मेरे चैनल पर बना हुआ है, वो देख करके आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी के मोबाइल पर मैसेज भी आना शुरू हो गया से आपको अपडेट करवा लेना है। अगर आप अपडेट नहीं करिएगा तो अभी फ्री में हो रहा है लेकिन बाद में आपको पैसा लग सकता है। तो ये पॉपअप के ऊपर जो क्रॉस का निशान है उस पर क्लिक करके इस पॉपअप को हटा देना है। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। गेट आधार है, उसमें एक डाउनलोड आधार का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता होगा, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो देखिए आपको कुछ भी यूज करने से पहले आपको लॉगिन ही करना ही पड़ेगा। इसमें कुछ ऑप्शन जो है जो बिना लॉगिन किए हो जाता है, तो वो भी मैं आपको बताया हूँ, मेरे चैनल पर सारा वीडियो बना हुआ है। आधार कार्ड अभी आपको डाउनलोड करना था, आधार कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा। तो लॉगिन वाले पर क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपको यहाँ पर आपका जो 12 अक्षर का आधार नंबर होगा वो लिख देना, और ये कैप्चा कोड जो है देख करके यहाँ पे सही सही लिख देना। अगर ये कैप्चा कोड आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ सिंबल का निशान है, इस पर क्लिक करके ये कैप्चा कोड आप चेंज भी कर सकते हैं। जब तक आपको नहीं समझ में आता 2 बार 3 बार आप जितना बार चाहे उतना बार चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमको समझ में आ गया, इसलिए 12 अक्षर का आधार नंबर अपना यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ये कैप्चा देख करके यहाँ पे सही सही लिख दे दें। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। सेंड OTP पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा जुड़ा होगा उस पर एक OTP आ जाएगा। तो मैं सबको लिख करके आपको बताता हूँ। तो देखिए मैं आधार नंबर और कैप्चा लिखते हैं, उसके बाद नीचे सेंड OTP जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आ जाए। OTP देख करके नीचे वाले बॉक्स में सही सही लिख देना है। तो इस मोबाइल में सिम रहेगा तो इसमें आ जाएगा, नहीं तो दूसरे में रहेगा तो दूसरे पर आएगा। तो देख करके OTP यहाँ पर सही सही लिख देना जो भी आपका OTP हो। उसके बाद में नीचे जो लॉग लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देना। उस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा ये नहीं खुलेगा, थोड़ा समय लगता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन आपको अभी आधार कार्ड डाउनलोड करना था, डाउनलोड आधार जो लिखा है उस पर क्लिक कर देना। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा यहीं से सब कुछ होता है।
अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है इस पर अगर आप नहीं क्लिक करिएगा तो आपको 12 अक्षर वाला आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अगर मास्केट आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो इस छोटे वाले बॉक्स पर आपको ट्रिक कर देना है। उसके बाद में आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल है वो देखना चाहते हैं तो पूरा आप देख सकते हैं, नहीं तो डाउनलोड लिखा हुआ उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है। उसके बाद में देख लीजिए कमरा एक्चुलेशन आपका डाउनलोड हो चुका है। इसमें आपका पासवर्ड कैसा रहेगा वो भी दिखाया गया है। नाम का पहला अक्षर 4 अक्षर कैपिटल में देना है और अपना डेट ऑफ बर्थ का साल दे देना है। उसके बाद में देख लीजिए नीचे लिखा है गो टू डैशबोर्ड लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करिए इस पेज पे आ जाइए। उसके बाद बैक कर करके अपने मोबाइल के होम पेज आप जैसे भी हो वैसे चल जाइएगा। उसके बाद में अभी जो मास्क आधार कार्ड आपने डाउनलोड किया है वो आपके फाइल मैनेजर में होगा तो आप अपना फाइल मैनेजर ढूंढ लीजिएगा। मेरा ये है तो ढूंढ लिया, ओपन कर लिया। उसके बाद में मेरा डाउनलोड यहाँ पे है, आपका जहाँ पर भी रहेगा आप ढूंढ करके अपना डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा और फर्स्ट में वो रहेगा तो फर्स्ट में ही क्लिक कर दीजिएगा। मेरा ड्राइव के माध्यम से ओपन होता है इसलिए ड्राइव पर क्लिक कर दिए। उसके बाद में देख लीजिए पासवर्ड मांगे तो पासवर्ड में वही अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल में 4 अक्षर दे देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का साल दे देना है। मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपको देना है। आपका जो भी नाम रहेगा वो आप दीजिएगा, मैं ऐसे सैंपल में आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद ओपन जो लिखा हुआ उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उस पर जैसे क्लिक कर दीजिए देखिए आपका ये मास्क आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है, यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अगर YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। तो मैं ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।